हत्या करके इन्होंने नदी के किनारे और सड़क के किनारे फेंका है, उसके विरोध में कल पूरा बालाघाट जिला बंद रहा। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में की गई गायों की हत्या को लेकर लगातार आक्रोश व विरोध का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा असर पड़ोसी जिला बालाघाट में भी देखने को मिला है। इस मामले में हिंदू संगठनों के साथ ही सर्व हिंदू समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसके चलते 22 जून को संपूर्ण बालाघाट जिले को बंद करने का विरोध प्रदर्शन का निर्णय विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व सर्व हिंदू समाज के द्वारा लिया गया है। बता दें कि बंद के दौरान परिवहन व्यवस्था भी बंद रहेंगी, जिससे आवागमन करने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके साथ ही स्कूल व पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगे। बंद को लेकर आयोजित की गई बैठक के दौरान विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष यज्ञेश लालू चोपड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि सिवनी जिले के दोंदावानी, पिंडरई, धुमा, यों केवलारी क्षेत्र में 19 जून की शाम को करीब 54 गौ माता की धारेदार हथियार से हत्या कर उन्हें नदी में फेंकने का कार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि इस घिनौनी घटना से पूरे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई है और आक्रोश बढ़ा हुआ है, जिसके विरोध में ही 22 जून को संपूर्ण बालाघाट जिले को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। बंद के तहत बालाघाट मुख्यालय के साथ ही वारासिवनी, कटंगी, तिरोड़ी बंद का आह्वान किया गया है। सभी को वैसे तो ज्ञात है, क्योंकि आज सुबह अखबारों में और सोशल मीडिया में आ चुका है, दो दिन से सोशल मीडिया में चल रहा है कि सिवनी में इनकी जो हरकत रही है, जो इन्होंने 54 गायों को किसी का गला रेत के, किसी का पैर काट के, इस टाइप से इन्होंने काट के और गायों को हत्या करके इन्होंने नदी के किनारे और सड़क के किनारे फेंका है, उसके विरोध में कल पूरा बालाघाट जिला बंद रहेगा। क्योंकि बालाघाट भी गौ तस्करी और गौ हत्या के मामले में बालाघाट का भी नाम आता है, तो हम कल बंद रख के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ हो। दूसरी कि जैसा आबकारी में कानून है, कड़ा कानून, ऐसा कानून गौ हत्या में भी हो। क्योंकि गाय हमारी, मतलब हमारी आस्था का केंद्र है, आप सभी जानते हैं और पूरा विश्व जानता है कि गौ माता को हिंदू समाज कितना पूजता है, और उसके बाद इतनी बड़ी घटना, वो भी ऐसे प्रदेश में जहां हमारी सरकार है, तो हमारी सरकार से मांग है कि बड़े कड़े से कड़ा कानून किया जाए और इसमें जो अपराधी लिप्त हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, और उनके घरों में जो उनके घर है, अवैध रूप से उनका जहां कब्जा है, वहां पर बुलडोजर चले, ताकि उन्हें आजीवन ये सबक मिल सके कि गौ हत्या के लिए कोई कदम उठाने वाली संस्थाएं भी है। कौन क्या क्या सेवाएं बंद रहेगी इसमें? कल संपूर्ण व्यापार बंद रहेगा, बसें बंद रहेगी, प्राइवेट स्कूलें बंद रहेगी, पेट्रोल पंप 2 बजे तक बंद रहेंगे, केवल मेडिकल स्टोर चालू रहेंगे, उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं सारी बंद रहेंगे। हमने सबसे अपील किया है और लगभग 25 से ज़्यादा संस्थाओं ने हमें इसमें अपना समर्थन दिया है, जिसमें मुख्य रूप से कैट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसके अलावा सब्जी मंडी एसोसिएशन, बस एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये सब ने हमें अपना समर्थन दिया है। इसका हिंदू समाज तो पूरा सकल समाज साथ में है, तो इसलिए हमारा सभी से निवेदन है और खासकर पेट्रोल पंप मालिकों से निवेदन है कि आप अपना 2 बजे तक व्यापार बंद रखें और 2 बजे के बाद अपना व्यापार चालू कर सकते हैं। क्या कोई सभा भी आयोजित की जाएगी बंद? जी बिल्कुल, इसके लिए हमने कालीपुतली चौक एक स्थान चयनित किया है, जहाँ वहाँ पर हमारे जो मुख्य लोग हैं, मुख्य समाज के लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, कई जो हमारे ऐसे लोग जिन्होंने गौ तस्करी रोकने और गौ हत्या रोकने के लिए सालों से प्रयत्न किया, उन्हें भी बुला के वहाँ सबके हम विचार वहाँ सबके रखे जाएंगे। और व्यापार लेकिन पूर्णतः बंद रहेगा और बंद रखें पूरा दिन, ये हमारा सभी से अनुरोध भी है, और कड़ा एक कड़ी कार्रवाई इसमें हो, ऐसा हम एक तय कर सके, ऐसा हम सब मिलकर करेंगे। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।